लीची के शौकीन लोगों को इस बार लीची का फल जिहड़ा आ उह महंगा जरूर पै सकदा, क्योंकि दस दईए कि जिस तरह गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गर्मी का असर आम जनजीवन पर जरूर पै रहा, उसका असर आपां गल कह सकते कि लीची की फसल पर जरूर पै है। और असी इस वक्त खड़े हैं होशियारपुर जिला के तहसील मुकेरियां के पिंड बुढ़ावाड़, और सब तो पहला तस्वीर अपने कैमरामैन कहूँगा दिखा देन कि किस तरह लीची के बाग विच असी खड़े हैं। और ये 45 एकड़ का बाग है और तुसी देख सकते हो कि किस तरह लीची की तड़ाई जिहड़ी है वह चल रही है, महिलावां लीची तोड़ रही ने, पैकिंग चल रही है, तलाई चल रही है और इत्थों ही मंडी विच भेजी जाएगी। पर दस दिए कि गर्मी का जो असर है वह लीची के खेतीबाड़ी के खींची लीची के बागवानी कह सकते हैं कि बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि ठेकेदार दस रहे कि इस बार लीची के उन्होंने अद्धो अद्ध घाटा पै सकता है, 50% तक वो दस रहे कि लीची जड़ा है सुख चुकी है। सर आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम रुकुमा है जी। सर क्या लगता है इस बार पिछले साल के मुकाबले लीची की फसल में कितनी गिरावट आई है? पिछले साल के मुकाबले में लीची में जी बहुत ज़्यादा गिरावट, कम से कम 50% की गिरावट है। कितने एकड़ में आपका खेत है? 20 एकड़ में है जी। ठेके पे ले होंगे? जी जी। कितना ठेका है साल का? इसका जी 45 लाख का ठेका था और जी हमने तो 20 लाख भी पूरे होते नहीं दिख रहे। 50,000 रुपये डेली लेबर का दिहाड़ी और खर्च बैठता डेली का। 70 आदमी काम कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, 70 आदमी काम कर रहे हो, 50,000 रोज का खर्च बैठ रहा है। जी जी जी। क्या लगता है पूरा हो पाएगा? मुश्किल है जी, कम से कम 35,000 रुपये घाटे गए अब की फसल में। क्या लगता है कि लीची की फसल इस बार क्या सूख रही है? लीची क्या हुआ रही है जी? देखो ये कैमरामैन को तस्वीर नजदीक तो दिखा देना। देखो ये सब फट इस तरह फट गई, देखिए। जब लीची फट जाएगी तो उसको कोई नहीं लेगा, वे अब ऐसी फेंकनी पड़ती है, कोई नहीं लेगा, ये फट रही दे। सब लीची आधे से ज़्यादा लीची फट गई है। फटने का नुकसान गर्मी के कारण, इतनी गर्मी है, भयंकर गर्मी थी, गर्मी के कारण सब लीची आधे से ज़्यादा 50% लीची फट गई है। क्या लगता है कि इसको कितना समय आपको लगता है, इसकी देखभाल कितने में समय में होती है और कितना समय में लीची तैयार होती है? इसकी जी देखो, अब जैसे ये लीची टूट जाएगी अभी से इसकी देखभाल शुरू हो जाएगी। इसमें पानी और खाद और यहाँ जो पहरा देंगे वो भी, इसकी तो एक साल की पूरी तैयारी करनी पड़े, पूरी एक साल लगाना पड़े, उसके बाद लीची टूटने की हो। मंडी क्या भाव चल रहा है? मंडी का भाव जी जब 800 से ऊपर नहीं है, यानी 1200-1300 का डब्बा निकल जाता है, 300 रुपये का नुकसान है कम से कम एक डब्बे का। एक पेटी पीछे 300 का नुकसान जी। ये लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस वक्त घाटा जड़ा है? वहाँ भी घाटा है जी, और बाग में तो आधे का 50% का घाटा है, लेकिन मंडी में भी 300 रुपये घाट है, एक डब्बा 300 रुपये कम बिक रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान है, 50% का नुकसान है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से हमारी ये अपील है कि यू नुकसान हमारा पूरा हो जाएगा, कि सरकार अगर इसमें हमारे इसका जो नुकसान है इसको पूरा करना चाहे तो ये पूरा हो जाएगा जी। सरकार के ऊपर, सरकार से यही अपील है हमारी कि हमारी यही मदद चाहें। तो इससे पहले कभी सरकार की तरफ से कोई सहयोग किया गया आपको इस काम में? नहीं जी, अभी तक कोई सहयोग नहीं हुआ, अभी तक कोई सहयोग नहीं हुआ सरकार की तरफ। और आसपास में कितने ठेकेदार हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं? वो सारे यूपी के हैं जी। हम जिला शामली, कस्बा केराना है हमारा और गाँव मुकंदपुर है। पूरे इलाके में इस तरह लीची पे प्रभाव पड़ा है गर्मी का? सभी के इसी तरह हो रहा है, पूरे सबके बागों में गर्मी के कारण, गर्मी ज्यादा थी इस कारण ये नुकसान है सभी के बागों में, ऐसे ही है। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से यही अपील है जी, जो नुकसान है उसका खामियाना हमसे दिया जाए तो हमारा भी नहीं। हम तो उधर से पहले पैसा देते हैं, ब्याज पे उठा के जैसे भी कैसे करते हैं, अब सब ऐसे ही रह गया मालिकों का पैसा, अब लेबर की दिहाड़ी पूरी होगी, मालिक का कोई पैसा नहीं जाएगा जी। बिल्कुल, जिस तरह तुमने देखा कि किस तरह लीची के व्यापार न जुड़े हुए व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल की जी आप गल करिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल अद्धो अद्ध जड़ा है घाटा जड़ा वह दिखाई दे रहा है उन्होंने। उत्थे उन्होंने पंजाब सरकार अगर मांग की है कि पंजाब सरकार उन्होंने कुछ इस लिए कुछ उन्होंने सहयोग करे ताकि जो घाटा ठेकेदारों खेतों के मालकों पै रहा उसकी भरपाई जी हो सके। कैमरामैन विनय के नाल विजय सलारिया, न्यूज़ 18 पंजाब।